हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे यहाँ के स्कूल का रिजल्ट देने वाला है। तो सारे बच्चों का आज रिज़ल्ट देगा, तो मैं जा रही हूँ आज अरुष के घर पे, मतलब कि जिसको मैं ट्यूशन कराती हूँ। तो मतलब कि दो चार बच्चों को ज्ञान देने का काम कर लेती हूँ, इतना भी ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा बहुत। तो वही आज उसका भी रिज़ल्ट दिया है, तो देखते हैं जाके उसका रिज़ल्ट कैसा हुआ है। और आज मेरा भी रिज़ल्ट आने वाला है, मतलब कि मेरे भाई का भी रिज़ल्ट आएगा, उसका रिज़ल्ट मतलब कि मेरा रिज़ल्ट, क्योंकि उसको पढ़ाती तो मैं ही हूँ ना, इसलिए मैं घर से पहले निकल के आ गई क्योंकि मम्मी गई है स्कूल उसका रिज़ल्ट लेने के लिए। तो पता चलेगा कि रिज़ल्ट कैसा आया, तो घर का रिज़ल्ट बाद में देखेंगे, पहले बाहर का देख लेते हैं क्योंकि वो तो मुझे ही डांट पड़ने वाला है इसलिए। तो चलो चलते हैं आज उसके घर, अभी पहुँचने वाली हूँ मैं, तो थोड़ा दूर रह गया है, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसा आया है। तो गाइस, आज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, आप देख सकते हो। तो और मैं अरुष के घर पहुँच ही चुकी हूँ, बारिश की वजह से बाहर निकलने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है इसलिए। तो चलिए चलते हैं, स्लिप भी है यहाँ पे, गिरते गिरते बची हूँ मैं। तो गाइस, मैं अरुष के घर पे आ गई हूँ और अभी अरुष गया अपना रिज़ल्ट लेने के लिए, तो देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसा हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो ये अपना रिजल्ट निकाल रहा है, दिखाओ कैसा आया है रिजल्ट। तो कुछ पहले बताओ कैसा आया रिजल्ट, बताओ अरुष। ए प्लस आया है, अच्छा देखें। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आया है गाइज। तो यहाँ पे देखिए, इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड और थर्ड, और ये फाइनल का है। तो फाइनल में देखते हैं इसका रीडिंग, ओरल, हैंड राइटिंग, राइम सब में ए प्लस आया है, और हैंड राइटिंग और रीडिंग में ए प्लस आया है, रीडिंग में आया ए प्लस मिला है। तो रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा है इसका। तो अरुष, रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया है तुम्हारा। और अभी इसके स्कूल का नाम उम्मीद विद्या किरण स्कूल, एयरफोर्स स्टेशन चबुआ, जो एयरफोर्स के अंदर है। तो काफ़ी अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट देख कर। अभी इसका दूसरे स्कूल में एडमिशन होगा, है ना अरुष? कौन सा वाला स्कूल में एडमिशन होगा? फोर उसे पता ही नहीं है गाइस। हाँ, तो इसका बाल वाटिका में एयरफोर्स के अंदर ही एक स्कूल, उसमें एडमिशन होगा अभी। तो ठीक है, रिज़ल्ट तो अच्छा हुआ है, और उसका रिज़ल्ट देखे तो अच्छा लगा। अभी इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है, तो अब देखते हैं कि घर पर जाके कि उसका भाई का रिज़ल्ट कैसा हुआ है। तो अभी फर्स्ट इसको मैं पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद घर जाएंगे, जाके तो टेंशन नहीं हो रहा है मुझे। तो सब मैं जा रही हूँ घर, और उसको कर देते बाय बाय, बाय बोलो बाय। चलो गाइस चलते हैं घर। तो गाइस, सब मैं जा रही हूँ घर, अब घर पे जाके देखते हैं कि भाई का रिज़ल्ट कैसा आया है। तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, यहाँ से धूप आ रहा है, धूप नहीं आ रहा है गाइस, आज धूप है ही नहीं वैसे तो। तो मतलब बारिश बारिश वाला मौसम है, आऊ छत गिरती ना, तो यहाँ पे कितना ग्रीन ग्रीन है ना। हमारे आसाम का खासियत यही है, बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है ना वही। तो चले अब घर, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे वैसे मेरा टेंशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अभी चलते हैं यहाँ से घर, घर की और देखते हैं क्या हो रहा है घर पे, चलिए चलते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एजुकेशन प्लान के बारे में। एक ऐसा कॉम्बिनेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिससे अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के पढ़ाना चाहते हो तो आपको पता होगा कितना खर्च आएगा। तो उस खर्च को कवर करने के लिए मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आई हूँ जिससे वो जितने भी एक्सपेंसेस उनके एजुकेशन में खर्च होंगे वो सारे रिकवर हो जाएंगे। बट उससे पहले आपको ये प्लान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है, इसके बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स हैं जो कि मैं आपको अभी बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ आपको ये कॉन्सेप्ट, ये प्लान कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली प्रीमियम नहीं उठाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगा 3000 के आसपास। अगर आप 3000 मंथली बचत करने में एवल है तो आप ये प्लान परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे कब चाहिए होते हैं, टेंथ में चाहिए होता है, उसके बाद में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इलेवन ट्वेल्थ मतलब, उसके बाद ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस सिचुएशन में हमें पैसे चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ जहाँ पर 17 साल से लेकर 20 साल तक बच्चे के एजुकेशन के लिए फ़ंड आएगा, वो भी इंक्रीज़ बढ़ते बढ़ते, हर साल बढ़ता रहेगा वो अमाउंट। तो दोस्तों, बेसिकली क्या, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो रहेगा 3000 पर मंथ। तो दोस्तों,
आपको यहाँ पे 17 साल से लेके 20 साल तक हर एक साल अमाउंट मिलेगा। जैसे कि जो पहला मैच्योरिटी रहेगा वो आपका रहेगा 1,62,300 जो कि आपको मिलेगा 17 ईयर्स पे, और जो दूसरा मैच्योरिटी रहेगा वो रहेगा आपका 1,66,600 वो आपको मिलेगा 18 ईयर्स पे, और जो तीसरा मैच्योरिटी रहेगा वो रहेगा आपका 1,70,900 जो कि आपको मिलेगा 19 ईयर्स पे, और जो चौथा मैच्योरिटी रहेगा वो रहेगा आपका 1,75,200 वो आपको मिलेगा 20 ईयर्स पे। तो दोस्तों यहाँ पे हर एक साल 4,300 रुपया करके प्लस हो रहा है। 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, यानी कि 4 टाइम्स आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए फ़ंड आ रहा है, जिसका यूटिलाइजेशन आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टाइम पे एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली हो चुका है। एक साल की बात करें तो 1-1.5 लाख के आसपास क्रिएट होता है। तो अगर आप ये प्लान परचेस करना चाहते हो तो वो सारे एक्सपेंसेस इस कॉन्सेप्ट से कवर हो सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीका से समझाऊंगी मैंने इसमें कौन कौन से प्लान लिए हैं और कितने का टर्म है और कितने का सम स्कोर है। तो दोस्तों आइए चलते हैं कैलकुलेशन पे, उससे आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर कर सके। तो दोस्तों बेसिकली मैंने यहाँ पर फादर का एज लिया है 30 साल। अगर आप एक फादर है, आपकी बेटी या बेटा है 1 या 2 साल का, तो आप ये प्लान परचेस कर सकते हैं। सपोज़ करिए ये प्लान आपका है और आपकी एज है 30 साल। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर टोटल 4 टर्म लिए हैं, 17, 18, 19 एंड 20। तो मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करें तो वो रहेगा 3,053 रुपीज़ फर्स्ट ईयर, और 2 साल से लेके 16 साल तक का जो प्रीमियम अमाउंट रहेगा वो रहेगा 2,987 रुपीज़, और उसके बाद 17 साल से 20 साल तक का जो प्रीमियम अमाउंट रहेगा वो हर एक साल कम होता रहेगा। लास्ट प्रीमियम है वो आपको 20 ईयर्स पे देना पड़ेगा, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। तो दोस्तों एक तरफ से देखा जाए अगर आप इस तरह का कोई भी प्लान लेना चाहते हो तो आपके बच्चे का एजुकेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो जिसमें फ़ंड की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इस रिक्वायरमेंट से उस फ़ंड का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा काम था आपको अवेयर करने का, और अगर आप ये प्लान को लेना चाहते हो तो आप कृष्णा कांता बरुआ जी को कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। इसमें आपको कवरेज मिल रहा है, नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंट कवरेज। नॉर्मल कवरेज आपको मिल रहा है 9,05,000 का, और एक्सीडेंट कवरेज मिल रहा है आपको 15,05,000 का। इन केस फादर के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको एक्सीडेंट कवरेज मिलेगा 15,05,000 का। तो दोस्तों मैंने आपको कवरेज के बारे में बताया, तो यहाँ पे 2 टाइप के कवरेज हैं, एक नॉर्मल और एक्सीडेंट कवरेज। तो फर्स्ट ईयर से ही आपको 9,05,000 का कवरेज मिल रहा है नॉर्मल कवरेज, और एक्सीडेंट कवरेज मिल रहा है 15,05,000 का। और ये जो कवरेज है ना वो हर साल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दूसरे साल आपको मिलेगा 9,14,000 का कवरेज नॉर्मल कवरेज, और जो एक्सीडेंट कवरेज है वो मिलेगा आपको 15,14,000 का। तो हर साल ये जो कवरेज है वो बढ़ रहा है। और इन केस अगर एक्सीडेंट में फादर का डेथ हो जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। डेथ होने के बाद आपको जो प्रीमियम है ना, मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा एक्सीडेंट होने के बाद, अगर डेथ हो जाता है फादर का तो आप जो पार्टिकुलर अमाउंट है वो ले सकते हो। तो और आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा वो जो है आपका जो मैच्योरिटी का जो टाइम है, मैंने क्या बताया था 17 साल से आपका मैच्योरिटी मिलेगा है ना। तो फादर का डेथ होने के बाद में अगर आप 17 साल पे अपना, अगर उस समय में आप नहीं लेना चाहते हो है ना, नो मनी को अगर वो पैसा नहीं चाहिए, अगर आप सोच रहे हो कि अभी हमें नहीं लेना है, जब आपका मैच्योरिटी जो आपको पैसा मिलेगा आप उस समय लेना चाहते हो, तो आपको जो मैच्योरिटी है ना वो 3 गुना मिलेगा, मतलब 3 मिलेगा है ना, 3 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था 17 साल में आपको कितना मैच्योरिटी मिल रहा है, 1,62,300 है ना, 3 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, तो आपको कितना मिल रहा है 4,86,900, तो 3 मिल। तो दोस्तों जो 18 ईयर्स का मैच्योरिटी है वो है आपका 1,66,600, और 3 हो जाएगा तो आपको मिलेगा 4,99,800। तो हर साल जो मैच्योरिटी है का जो अमाउंट है वो 3 होके आपको मिलेगा, और 19 ईयर्स में भी आपका 3 हो जाएगा, और 20 ईयर्स में भी 3 होके ही आपका जो मैच्योरिटी है वो मिलेगा। आपको एक और मैच्योरिटी मिलेगा, वो मिलेगा आपको 21 ईयर्स पर, और वो अमाउंट रहेगा आपका 3,66,000 का। दिस द फाइनल अमाउंट, और ये इन केस अगर आपके फादर का डेथ हो जाता है तो आपको ये 3 होके मिलेगा। दैट इज़ ऑल दिस प्लान वी कम फ्रॉम LIC।
और आप LIC सोच रहे हो तो LIC का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस, विच ओनली इंश्योरेंस कंपनी बोर्न बाय 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप ये प्लान लेना चाहते हो तो आप कृष्णा कांता बरुआ जी को कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने उनका एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, नदवा साइटिंग बाईपास डीगम डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ असम। और अगर आप अपने बच्चे के लिए ये प्लान लेना चाहते हो तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट है जो आप अपने बजट के हिसाब से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और इनका जो कंपनी है उसका नाम है श्री कृष्णा फाइनेंशियल सॉल्यूशन। तो आप जाइए, उन्हें कॉन्टेक्ट कीजिए। मैंने उनका नंबर भी स्क्रीन पर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन पर भी मैंने उनका सारा डिटेल्स दे दिया है, तो आप जल्दी से जाके उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहाँ से आ रही थी ना तो मैंने क्या देखा, अभी देखिए वहाँ पे सन आपको यहीं से दिख रहा होगा कितना रेड है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा रेड है, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिखाते हैं यहाँ से कितना बड़ा है, अभी दिखाती हूँ। ये सन देखो कितना ज़्यादा रेड है, थोड़ा सा इधर हो जाती हूँ तब आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो, अरे इधर आई तो दिख ही नहीं रहा इतना, ये बहुत ज़्यादा रेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आपको इसमें नहीं दिख रहा बट बहुत ज़्यादा है। तो आप देखो कितना ज़्यादा हरा भरा है, और इधर बगान है, ये देखो बगान। बहुत तेज हवा चल रहा है, तो चलो चलते हैं यहाँ से। सब मुझे देख रहे हैं वहाँ से खड़े हुए, बोलो सोच रहे कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। यहाँ से देखो आपको रेड दिखेगा, है ना, अब दिख रहा है ना आपको सन रेड रेड, बहुत ज़्यादा रेड है और बहुत काफ़ी बड़ा है। तो चलो चलते हैं। गाइज़ मैं घर पे आ गई हूँ। घर पे आने के बाद मुझे ये काम मिला करने के लिए, बुक में कवर चढ़ाने का, और भाई का रिज़ल्ट भी आ गया है। ये रिज़ल्ट कैसा आया वो मैं आपको बताती हूँ। नहीं तुम्हारा नहीं, मेरी कज़न सिस्टर भी यहाँ पे बैठी हुई है। ये मत करो सुन लो, ये लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सारे बुक में ये कवर चढ़ा दिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये सब में मैंने बुक में कवर चढ़ा दिए और इसका ये रिज़ल्ट, तो बताती हूँ मैं आपको इसका रिज़ल्ट कैसा हुआ है। रिज़ल्ट मेरे हाथ में है, भाई को पहले हम लोगों ने बोला कि उसका रिज़ल्ट खराब हुआ है, डरा दिया था, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं था कि इस बार वो पास करने वाला है, बट फाइनली वो पास हो गया है, तो वही बहुत बड़ी बात है। और अभी वो जाएगा 7th क्लास में। और हमारी ये सुन्नी यहाँ पर बैठी हुई है, मुँह देखिए जाइस इसका। अभी सुन्नू का भी एडमिशन हो रहा है ना, कौन से स्कूल में एडमिशन हो रहा है बताओ। और क्या क्या आता है पढ़ना? ए ए, ए। तो गाइस अभी मैं इसको पढ़ना वगैरह भी सिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत तो आ ही है इसको, तो ये सारा मेरा काम भी खत्म हो गया है। मैं भी एक नंबर का हो गया, एक नंबर का हो गया, ये बस मेरा काम बिगाड़ती रहती है गाइस। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में अपना काम करने के लिए। सब मत करो सुन्नू, गंदी बात है। तो फिर मिलते हैं और एक ब्लॉग के साथ। बाय बाय। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।